हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी स्किन, हेयर, ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और हैप्पी होंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड होने वाला है। मुझको काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपना नोज पिन का कलेक्शन शेयर करें, जो कि मुझको काफ़ी ज़्यादा पहनना पसंद है। अगर आप मेरा वीडियो हमेशा देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं चेंज कर करके नोज पिन पहनते रहती हूँ, लाइक नाक का चेंज कर करके मैं पहनते रहती हूँ, मुझको काफ़ी पसंद है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनको भी मेरा नोज पिन कलेक्शन काफ़ी पसंद आता है, तो उन्होंने मुझको मैसेज किया था कि आप अपना प्लीज नोज पिन का कलेक्शन शेयर कीजिए। तो वो वीडियो नेक्स्ट आएगा। और उन्होंने ये भी कमेंट किया था कि उन्होंने अपना हाल में ही नोज को पियर्सिंग, लाइक नोज को उन्होंने वो करवाया है, खुलवाया है, ठीक है, हाल में ही उन्होंने अपना पियर्सिंग करवाया है, 2 से 3 दिन पहले ही करवाया है। तो मुझको वो कमेंट किए थे कि ऐसा क्या टेक केयर करें कि मतलब उनको ब्लड आ रहा है या फिर जो भी होता है ना नोज को, आप क्योंकि ये ऑब्वियस बात है उनकी एज आई थिंक 30 ईयर है, ठीक है, और इस टाइम वो अपना नोज को जो भी है वो करवाएं। हम लोग का तो वो ये भी पूछ रहे थे कि आप अपना कैसा क्या अपना नोज का वो करवाए थे, कब करवाए थे, तो एक्सपीरियंस जरूर से शेयर कीजिएगा। तो जी, मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैंने अपना नोज पियर्सिंग आई थिंक मैं जब 10 साल की शायद थी, तभी मेरे को नानी ने करवाया था, ठीक है। नानी घर में मुझको पकड़ के होता है ना बच्चों का कि चलो बड़ी थोड़ी लड़की से, मतलब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं बच्चे, चलो नोज पियर्सिंग करवा दो। उस टाइम क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब आप अपना जो भी है लाइक छोटे बेबी का नोज पियर्सिंग करवा देते हो, जैसे कि 7-8 साल 8-9 साल तक, तो क्या होता है कि ये जो स्किन होता है वो थोड़ा सा खिंचा होता है, लाइक स्किन पतली होती है, थोड़ी सी खिंची सी होती है। तो उस टाइम अगर आप अपना कान का नोज का पियर्सिंग करवाते हो तो उस टाइम काफ़ी कम दर्द तो होता है, कान के कंपेयर में नाक का जो होता है वो काफ़ी दर्द करता है, ठीक है, तो काफ़ी दर्द होता है, तो दर्द होता है, बट हाँ उस टाइम है कि हो जाता है। लेकिन अभी वो करवाए हैं नोज पियर्सिंग, जो कि उनकी एज 30 साल हो रही है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ होगा, मुझको पता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी उस टाइम करवाई थी तो मुझको काफ़ी पेन हुआ था। और वो इस टाइम करवा रहे हैं, तो इस टाइम क्या होता है कि लाइक 18+ के बाद थोड़े थोड़े जो ये होता है ना, थोड़ा सा स्किन मोटे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा दर्द ज़्यादा होता है। तो कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा जब, तो उनको मेरा नोज पिन का कलेक्शन पसंद आता था, तो उन्होंने मुझको देख करके नोज अपना जो भी पियर्सिंग करवाया है, तो वो पूछ रहे थे कि क्या टेक केयर कर सकते हैं। तो मैं इस टॉपिक को ही इसमें कवर करने वाली हूँ कि आप अपना नोज अगर पियर्सिंग करवाते हो तो पहले आपको क्या ध्यान देना है, बाद में आपको क्या टेक केयर करना है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप नोज पियर्सिंग करवा रहे हो तो कोशिश क्या करो कि आप विंटर के टाइम में करवाओ, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, लाइक पकने का डर नहीं होगा, अगर ब्लड्स वगैरह आते हैं जो भी होता है स्वेलिंग वगैरह उसका आप टेंशन आपको नहीं रहेगा। तो ठंड के टाइम में हमेशा कोशिश क्या करो कि आपको नोज पियर्सिंग करवाना या फिर ईयर पियर्सिंग करवाना या फिर आपको पियर्सिंग कहीं भी करवाना, तो आप ठंड के मौसम में करवाना ज़्यादा, मुझको ऐसा लगता है कि ठंड के मौसम में ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि मैंने भी अपना जो भी मेरी नानी माँ जो मेरी थी वो ठंड में ही मुझको करवाई थी, ठीक है, तो ठंड में ज़्यादा सही रहता है, स्किन थोड़ी सी वो होती है तो आप उतना दर्द ठीक ठाक मतलब झेल लेते हो, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको जब आप नोज पियर्सिंग करवाते हो, ठीक है, उस टाइम आपको क्या खाना नहीं होता है, तो उस टाइम आप चना नहीं खा सकते हो, लाइक जो चना होता है रेड चना जो होता है चना नहीं खा सकते हो, आप बैंगन वगैरह नहीं खा सकते हो, कुछ उस टाइप का सब्जी वगैरह आप अवॉइड क्या करो कुछ दिनों के लिए, लाइक 10 डेज के लिए आप अवॉइड कर सकते हो। पान सुपारी वगैरह जो उस टाइप का आता है ना, जो जर्दा टाइप कुछ होता है, वो सबको आप स्किप क्या करो, क्योंकि उस सब का जो तासीर होता है वो थोड़ा सा वो होता है, गर्म होता है, तो शायद आपको पकने के चांसेस ज़्यादा रहें, ठीक है, तो इस वजह से उसको आप वो कर सकते हो, स्किप कर सकते हो 10 दिन के लिए, आप इस टाइप का भोजन ना करें उस टाइम, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप ठंड के मौसम में जब आप नोज पियर्सिंग करवाते हो, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, लाइक जो घास वगैरह होते हैं, ठीक है, उस पर आप देखोगे कि ओस जमा हो जाता है मॉर्निंग के टाइम में, ठीक है, लाइक सुबह में आप उठते हो जब, तो आप देखोगे कि ओस जमा हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने आज पियर्सिंग करवाया है तो आप ये प्रोसेस कल से कर सकते हो, ओस जमा हो जाता है, जो आप घास पे देखते होगे जो पानी जैसा कुछ कुछ जमा होता है, उसको आपको क्या करना है, हाथ से लेकर के ड्रॉप आपको नोज पे रखना है, ठीक है, आपको इस साइड रखना है, आपको अंदर से जहाँ भी आपको लाइक कान में आपने करवाया है तो कान में आपको यहाँ पे रखना है, साइड से दोनों साइड से आपको लगाना है, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग टाइम ऐसा करते हो, बिलीव मी काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा होगा, और अगर जो भी स्वेलिंग होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है अगर आपको
तो उसको काफ़ी हील करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। मुझको, मैं ऐसा करती थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है गाइस। अगर आपको लाइक, अगर आपने समर में ही नोज पियर्सिंग करवा लिया है, अगर आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो गई है, लाइक ब्लड आने लग रहा है, जो भी वो पहनाते हैं वो थोड़ा सा मतलब घूम नहीं पा रहा, या फिर होता है ना साइड साइड में ब्लड के कारण वो हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, एक क्वाडिडीम करके मलहम आता है, उसको आप परचेज कर सकते हो। आई थिंक वो 50 रुपीज का देता है। तो क्वाडिडीम करके एक मलहम आता है, उसको आप ले सकते हो। उसको आप दोनों साइड में अच्छे तरीके से आप लगा सकते हो, हमेशा उसको लग रहा है, तो वो 2-3 दिन में आपको एकदम इतने अच्छे तरीके से सुखा देगा कि मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। वो फिर 2-3 दिन के बाद ही आपको लगेगा कि जो वो पहनाते हैं, लाइक गन से अगर आप नोज पियर्सिंग करवाते हो, तो जो पहनाते हैं उसको आप निकाल कर आप गोल्ड का कोई भी पहन सकते हो, ठीक है गाइस। तो जब भी आप अपना नोज पियर्सिंग करवाते हो, उस टाइम आप गोल्ड का कोशिश क्या करो कि ना पहने, ठीक है। सिल्वर का ही ज़्यादा पहनना सही रहता है, क्योंकि उसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस करके आपको रहेगा स्किन में, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप अपना नोज का जो भी है टेक केयर कर सकते हो, लाइक कुछ चीज़ें नहीं खा करके और जो मैंने बताया। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ हो जाता है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो कि आप क्वाडिडीम का मलहम लगा सकते हो। ज़्यादा कुछ वैसा प्रॉब्लम होता नहीं है गाइस, बट हाँ इन केस समर में होता है ना, किसी को कुछ ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, घाव जैसा लाइक बन जाता है ना, तो उस टाइम आप क्वाडिडीम मलहम को ऊपर की लेयर में लगाओगे, लाइक अंडर साइड से लगाओगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको वो बैलेंस कर देगा, सुखा देगा, और बिल्कुल भी सही हो जाएगा आपका नाक। और आप अपने मन से हाँ जो भी आप डिज़ाइन का कुछ भी पहनना चाहते हो आप पहन सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, टेक केयर आप कैसे कर सकते हैं बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा गाइज, और नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी नोज, अपना जो कलेक्शन है मेरा नोज पेंट कलेक्शन है वो मैं जरूर से लाऊंगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट डाउन करके प्लीज बताइएगा, और इस तरह से आप भी अपना टेक केयर कर सकते हो। जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने ये वीडियो बताया है, और कुछ ऐड ऑन और करना हो, लाइक किन्हीं को ज़्यादा पता हो, तो कमेंट करके भी बताना कि आप कैसा टेक केयर करते हो। मैं इस तरीके से की थी अपना, जब मेरे को हुआ था तो मुझको नानी माँ बताती थी, तो मैं इस तरह से करती थी, तो मेरे माइंड में अभी भी वो चीज़ है। और किसी को भी होता है, लाइक हमसे जो जूनियर लोग जो भी घर में नाक कान वगैरह पियर्सिंग करवाते हैं, तो उनको हम लोग टेक केयर इस तरह से करते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्द गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।